हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज अनिल और नोड जेएस की इस वीडियो के साथ स्टार्ट करने वाले हैं हम ऑथेंटिकेशन। इसके अंदर हम लॉगिन और रजिस्ट्रेशन देखेंगे विद JWT टोकन, और जो पासवर्ड होगा वो हमारे इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर होगा, और डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट दोनों चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसकी तीन वीडियो आने वाली हैं। पहली वीडियो के अंदर हम नॉर्मल सेटअप करेंगे, इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे हमारे डेटाबेस के साथ, MongoDB के साथ कनेक्शन। दूसरी वीडियो के अंदर हम रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट देखेंगे, और थर्ड वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं उसका लॉगिन वाला पार्ट। उसके बाद में दो चार APIs बनाएंगे और उनके ऊपर भी JWT वगैरह अप्लाई करके देख लेंगे कैसे काम कर रहा है, और आपको भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम तीन मेजर काम करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट पैकेज है हमारे, ये तीन इंपॉर्टेंट पैकेज हैं सबसे पहली वीडियो के लिए, नोडमोन और एक्सप्रेस और MongoDB। मोंगोज कहते हैं इसको, MongoDB कनेक्ट करने के लिए, और बाद में एटलस से कनेक्ट करेंगे। एटलस MongoDB का बेसिकली एक आप कह सकते हो क्लाउड इन्वायरमेंट है, और अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दिया मैंने, वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने स्टार्टिंग से लेकर बताया कि साइन अप कैसे करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं, यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस क्या होता है, डेटाबेस एक्सेस कैसे करते हैं, यूजर्स कैसे बनाते हैं, क्लस्टर क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर, वो देख लीजिएगा। अगर आपको बेसिक आइडिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर पिछले वाली वीडियो देखने की कोई जरूरत है नहीं। उसके बाद कनेक्शन करेंगे, और फिर हमें मॉडल बनाना है। आपको पता है कि मॉडल हमारा जरूरी होता है, एक स्ट्रक्चरल वे डिफाइन करता है कि हम कैसे MongoDB के साथ हमारा नोड का कनेक्शन बनाएंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पैकेज डॉट जेएसन बनाता हूँ, अभी देख सकते हो आप खाली है, बिल्कुल हमारे पास कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल स्क्रैच से बना रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि पहले अगर सीरीज फॉलो कर रहे हो तो कि पहले तो हमने सारा APIs बनाई थी, बट उनको डिलीट क्यों कर दिया है, सेम प्रोजेक्ट में बना रहे थे। रीजन बीइंग, क्योंकि जब आप JWT ऑथेंटिकेशन कर रहे हो, लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो स्टार्टिंग से करें, स्क्रैच से करें, ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। APIs तो हम फिर बना लेंगे, पाँच पाँच दस दस मिनट का काम होता है, पाँच पाँच का नहीं, दो दो मिनट का काम होता है सारा का सारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा NPM init माइनस वाई, एक मैं जेसन पैकेज यहाँ पे बना लेता हूँ, और उसके बनाने के बाद मैं तीनों को इंस्टॉल करता हूँ। NPM आई नोड मून कोमा एक्सप्रेस और कोमा मोंगोज। ऑल राइट, इसने क्या बोला है? ओके, मुझे यहाँ पे एक्चुअली कोमा देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट जस्ट स्पेस दे सकता हूँ, तो इसे समझ जाएगा। ऑल राइट, ये जब तक तीनों पैकेज इंस्टॉल होते हैं वीडियो को पोस्ट कर देता हूँ कि हमारी वीडियो की लेंथ थोड़ी सेव हो जाए। ऑल राइट, ये पैकेज इंस्टॉल हो गए हैं। अब मैं पैकेज डॉट जेसन ओपन करके देखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीनों डिपेंडेंसीज हमारी यहाँ पे सेव हो गई हैं। ऑल राइट, अब आगे प्रोसीड करते हैं। मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, मैं ऐप डॉट जेएस करके, जिसके अंदर हम सारे सारे कनेक्शन बनाएंगे। ऑल राइट, यहाँ पे मैं एक कंसोल डॉट वॉन करके देखता हूँ कि ये काम कर रही है नहीं कर रही है, और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। ऑल राइट, क्योंकि हमने नोड मून वगैरह डाला है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं नोड मून और ऐप डॉट जेएस। यहाँ पे कंसोल कर रही है, अगर मैं इसके अंदर चेंज करता हूँ तो अब ये प्रॉपरली चेंज कर रही है, परफेक्ट। इसके अंदर ये फाइल क्रिएट करने के बाद मैं अब क्या करता हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पे जो एक्सप्रेस वगैरह है इसको यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंसोल, सॉरी कॉन्स्ट एक्सप्रेस, और इसके अंदर लेता हूँ पैकेज को रिक्वायर्ड करता हूँ, रिक्वायर्ड के अंदर आएगा एक्सप्रेस, परफेक्ट। और उसके बाद में कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ मैं ऐप, और ये एप्लीकेशन यानी कि जो ऐप वेरिएबल है ये बेसिकली एक्सप्रेस का एग्जीक्यूटेड फंक्शन होगा, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं है, एक्सप्रेस है ये, ऑटो करेक्ट भी ना। ऑलराइट, उसके बाद में बेसिकली क्या करता हूँ, एक छोटा सा मैं एक बेसिकली राउट बना के देख सकता हूँ। ऐप डॉट यहाँ पे लिखूँगा गेट, और गेट के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ एक होम राउट ही बना लेता हूँ, और सेकंड पैरामीटर के अंदर बेसिकली एक फंक्शन बनाता हूँ छोटा सा, और फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, और यहाँ पे बेसिकली लिखता हूँ मैं रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट एंड भी लिख सकता हूँ फॉर अ मोमेंट, लेट्स से यहाँ पे हेलो कर देता हूँ, परफेक्ट। और बाद में लिखता हूँ यहाँ पे ऐप डॉट लिसन, और एक पोर्ट पे इसको लिसन करवा सकता हूँ, लेट्स से मैं इसको 500 पॉइंट के ऊपर लिसन करवा रहा हूँ, परफेक्ट। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम कर देता हूँ, जो एक्स्ट्रा स्पेस आ गया। ऑलराइट,
सो अब यहाँ पे आते हैं हम जहाँ पे हमें कनेक्शन करना है अल्टस के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर। देखो तो इसके अंदर दो तीन चीज़ें सेटअप करनी पड़ती हैं आपको। एक तो यूज़र का नाम सेटअप करना पड़ेगा, वैसे मैं आपको पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर करूँगा कुछ नहीं, मैं जस्ट आपको हल्का सा आइडिया दे दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। और चाहो तो आप यहाँ पे कर भी सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो। मैं इसी यूज़र को एडिट कर लेता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड को एडिट कर लेता हूँ और पासवर्ड मैं ऑटो जनरेटेड कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हो कि हमारे ऑटो जनरेटेड पासवर्ड आ गया, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। और इस पासवर्ड को मैं अभी के लिए यहाँ पे रख लेता हूँ जो मेरी सॉरी फाइल है, क्योंकि नहीं तो ये भूल जाऊँगा मैं, राइट, क्योंकि ऐसा पासवर्ड याद भी नहीं रहता भाई। ओके सो यूज़र हमारा आ गया है अवेंजर करके, और पासवर्ड हमारा सेटअप हो गया है। नेटवर्क एक्सेस में आना है आपको। नेटवर्क एक्सेस में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप यूजली लोकल नॉर्मली टेस्टिंग कर रहे हो तो आप यहाँ पे आईपी एड्रेस को ऐड कर सकते हो, या तो नए को, या फिर यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या रखा है, ऑल आईपी इंक्लूडेड कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, ये बड़ा स्लो चल रहा है यार ये। थोड़ा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सो आफ्टर रिफ्रेश इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेता है ये क्योंकि क्लाउड डॉट मोंगो थोड़ा स्लो होता है। यहाँ पे आप सारे के सारे आईपी मैनुअल एडर को ऐड कर सकते हो, और मैंने यहाँ पे सारे के सारे आईपी ऐड कर रखे हैं ताकि मैं यूजली अलाउ कर रहा हूँ तो सारे के सारे आईपी अलाउ हो जाएंगे। मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ सो मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट सो इसके करने के बाद हमें क्या करना है कि ओके वापस ये पे आना है, सॉरी। सो यहाँ पे क्लस्टर के अंदर जाना है, और क्लस्टर के अंदर जाके डेटाबेस वगैरह का ऑप्शन, कनेक्ट करने का ऑप्शन सारे हमारे यहीं पे होते हैं। बहुत स्लो है, सीरियसली है, स्टिल लोडिंग, यू नो मन ही नहीं करता इनकी साइट यूज़ करने का। मन तो कर रहा था कि लोकल पे बना लूँ, बट ये है कि अगर सिखा रहा हूँ तो कुछ ऐसा सिखाऊँ जो आपके काम भी आए, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे बनाना पड़ रहा है। अदरवाइज़ सीरियसली अब इवन इतना अच्छा ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहा हूँ, इंटरनेट वगैरह सब बढ़िया, बट ये सो फाइनली ये ओपन हो गया। राइट सो यहाँ भी आपको कलेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, और कनेक्शन का भी ऑप्शन दिखेगा। तो आप कनेक्ट पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमें सबसे पहले बेसिकली इसको कनेक्ट ही करना है। राइट सो मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको। मोंगो शेल, शेल का मतलब कि कमांड लाइन काइंड ऑफ, ठीक है, जैसे कि जेएस इंटरफेस एंड ऑल। सो हमें उससे कनेक्ट करना नहीं है, और ये कंपास वगैरह है कि जैसे पीएचपी में एडमिन होता है माइस्किल के लिए, उससे उसके भी हमें नहीं करना है। हमें तो नोड एप्लीकेशन काइंड ऑफ करना है, तो मोंगोडीबी के हम नेटिव ड्राइवर्स यूज़ करेंगे इसको क्लिक करके। तो हमें ये ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ बेसिकली। ओके सो जैसे मैं ही इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके इसको यूज़ करूँगा, बट उससे पहले मुझे एक्चुअली मोंगो डीबी भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा। राइट सो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं कॉन्स्ट मोंगोस, सॉरी कैपिटल कॉन्स्ट मोंगोस, मोंगोस रिक्वायर्ड, एंड रिक्वायर्ड के अंदर यहाँ पे बेसिकली लिख सकते हैं मोंगोस, सॉरी मोंगोस, परफेक्ट। सो मोंगोस एक यहाँ पे लेने के बाद में हम क्या करेंगे कि मोंगोस कनेक्शन करना है। सो यहाँ पे लिखेंगे मोंगोस डॉट कनेक्ट, और कनेक्ट के अंदर जो हमारे पास यूआरएल है ना, इसको बेसिकली पास पेस्ट कर देंगे हम। देखो सो इसके अंदर ये क्या क्या बताता है कि अवेंजर माई डेटाबेस का नाम है, पासवर्ड क्या है, पासवर्ड हमें यूज़ करना ही चाहिए वाला, कंट्रोल सी एंड देन यहाँ से पासवर्ड गायब कर देना विद द ब्रैकेट ऑल्सो, ब्रैकेट भी गायब कर देना, आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट सो पासवर्ड, और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो टेस्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अपने मोंगो डीबी का वो लिखना है कि आपके डेटाबेस का नाम क्या है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी टेस्ट ही रखा हुआ है, बट मैं बाद में चेंज कर लूँगा इसको, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। और देन जैसे ही यहाँ पे अब कर लेते हैं तो बेसिकली इसके अंदर एक सेकेंड पैरामीटर भी होता है, ओके इस तरीके से, और सेकेंड पैरामीटर बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है। तो उसके अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं, एक तो हमें यूजर का जो यूआरएल होता है उसको पार्स करने के लिए बोला जाता है, एक यूनिफाइड टोपोलॉजी होती है, दोनों को हमें ट्रू करना पड़ता है। तो हम बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे यूज़र न्यू यूआरएल पार्सर, सो इसको बेसिकली मैं ट्रू रखूँगा, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे होता है एक यूज़र यूनिफाइड टोपोलॉजी होता है, और इसको भी मैं
टू रखता हूँ यहाँ पे, परफेक्ट। सो इसके बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट टेन, क्योंकि एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली चेक कर लेता हूँ कि कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सो अगर ये कनेक्ट होगा तो मुझे यहाँ पे बेसिकली बता देगा, यहाँ पे सो मैं अब लिखता हूँ कंसोल डॉट वॉन या फिर कंसोल डॉट लॉग कनेक्टेड, राइट। सो इसको चेक करते हैं कि क्या हमें कनेक्टेड बताता है कि नहीं बताता है। लेट मी चेक, सो देखिए इसने बता दिया कि दिस इज कनेक्टेड नाउ, परफेक्ट। तो ये तो कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट होने के बाद में क्या हम डेटाबेस से डायरेक्ट इंटरेक्शन करवा सकते हैं, उसके लिए हमें एक्चुअली मॉडल बनाना पड़ता है, ठीक है। बस मॉडल लास्ट होता है, मॉडल बनाने के बाद में हम उसका कुछ भी कर सकते हैं, बट मॉडल बनाने से पहले हमारे डेटाबेस वगैरह डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, कलेक्शन पे क्लिक करूँगा। अब यार ये फिर से टाइम लेगा। ऑलराइट, सो रिट्राइविंग एंड ऑल। सो यहाँ पे आप न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है ट्यूटोरियल्स, ठीक है, ट्यूटोरियल करके मैं इसी को यूज़ कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे मेरे पास एक और है टेबल का नाम है यहाँ पे यूज़र्स, ठीक है। बट इसके अंदर सीन ये है कि इसके अंदर कुछ जगह पे पासवर्ड वगैरह नहीं है, जैसे कि इसके अंदर है पासवर्ड बट ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं है। सो मैं इसको डिलीट करके दोबारा से बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे कलेक्शन का नाम लिखता हूँ, कलेक्शन का नाम है यूज़र्स, और मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक नई कलेक्शन बनाऊँगा, ओके, देन एड माई अवन डेटा यहाँ पे करूँगा। तो डेटाबेस का नाम है मेरा ट्यूटोरियल और कलेक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ यूज़र्स। क्रिएट करता हूँ, और जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा इसके अंदर मैं थोड़ा सा डेटा भी रख लूँगा यहाँ पे, इंसर्ट डेटा करूँगा, और इसके अंदर मैं रख लेता हूँ लेट्स से यूज़र नेम रख लेता हूँ मैं नेम, और एक एंट्री कर रहा हूँ तो मैं डाल ही देता हूँ पीटर, ओके। एंड ईमेल एड्रेस कैन बी लाइक पीटर एट द रेट टेस्ट डॉट कॉम, ऑलराइट। और उसके बाद में एड्रेस, एड्रेस कैन बी लाइक यूएसए और समथिंग, और लास्ट में पासवर्ड, बट पासवर्ड अभी मैं इनक्रिप्टेड यहाँ से कर नहीं सकता, तो स्टिल मैं थोड़ा सा ही यहाँ पे अभी के लिए मैं abc@123 डालूंगा, बट जो नई एंट्रीज होंगी वो अपने आप सही एंट्री हो जाएंगी, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें यहाँ पे, ठीक है। सो तब हम इसको हटा देंगे, बट एक हमें यहाँ पे जस्ट एंटर करके देखना था। और एक तो ये एंटर नहीं भी करते तो भी चलता, बट हमें यहाँ पे तो कलेक्शन नेम चाहिए था, ठीक है, कलेक्शन नेम और डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस नेम मेरा ट्यूटोरियल है, सो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो टेस्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल लिखूँगा, क्योंकि मेरे डेटाबेस का नाम होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक फाइल और बनाऊँगा, एक वो भी एक फोल्डर के अंदर, फोल्डर का नाम है मेरा मॉडल, और मॉडल्स भी कर सकता हूँ मैं अगर मेरे एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो क्योंकि मॉडल्स सो कितने भी हो सकते हैं, हर एक टेबल के हिसाब से एक मॉडल बनता है। और यहाँ पे मैं बेसिकली एक फाइल बनाता हूँ यूजर्स डॉट जेएस नाम से। यूजर्स नाम से क्यों बनाया, क्योंकि मेरा जो कलेक्शन है वो इस नाम से है, ऑलराइट। और जब मैं कलेक्शन बना रहा हूँ तो इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहले हम कॉन्स्ट लेते हैं और इसके अंदर मोंगोज लेते हैं वापस से, मोंगोज रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड के अंदर यहाँ करते हैं हम मोंगोज, ऑलराइट। सो ये इंपोर्ट करने के बाद में हमें यहाँ पे एक चाहे तो हमें कॉन्स्ट या फिर एक लेट ले सकते हैं, इसका नाम लिखता हूँ यूजर स्कीमा, आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने बस यूज़र स्कीमा इसलिए ले लिया क्योंकि हम मॉडल डिफाइन कर रहे हैं। यस, अगर आपको मॉडल नहीं पता होता क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मॉडल के अंदर बेसिकली हमारे कलेक्शन का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि जब भी हमें डाटा फेच करना हो, इंसर्ट करना हो, तो कौन सा डाटा किस फॉर्म में जाएगा। जैसे कि नेम होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा, ईमेल एड्रेस होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा, और लेट्स से मोबाइल नंबर है तो वो किस फॉर्म में जाएगा, कुछ ट्रू फॉल्स वैल्यू है सारी की सारी, ठीक है, किस डाटा टाइप वगैरह होगी सारी की सारी इसके अंदर डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं न्यू मोंगोस और डॉट स्कीमा, स्कीमा के बाद बेसिकली हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्कीमा के अंदर क्या क्या फील्ड्स डिफाइन होती हैं बेसिकली हमारी।
सबसे पहले आई जी, ओह सॉरी आई डी, और आई डी बेसिकली हमारी हो सकती है लेट्स से मोंगो डॉट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आई डी होती है, सो हम उसको मोंगो डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आई डी के फॉर्मेट के अंदर भेजते हैं। देन नेम है मेरे पास, नेम बेसिकली एक नॉर्मल स्ट्रिंग होगा, देन ईमेल एड्रेस है, दिस इज़ ऑल्सो ए स्ट्रिंग, देन एड्रेस दिस विल बी ऑल्सो ए स्ट्रिंग, एंड एट द लास्ट पासवर्ड, एंड पासवर्ड ऑल्सो बी अ स्ट्रिंग। परफेक्ट। तो ये बनाने के बाद में मैं इसको बेसिकली इम्पोर्ट करूँगा, और इम्पोर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू मोंगो डॉट मॉडल, और इसके अंदर मैं यहाँ पे रखूँगा मेरी कलेक्शन का नाम यूज़र्स, देन यहाँ पे लूँगा मैं यूज़र्स की माँ जान की ये वाला नाम, ठीक है, परफेक्ट। सो अब मैं इसको यहाँ पे इम्पोर्ट कर लूँगा, यहाँ पे सब कुछ मेरा रेडी है, इसको मैं यहाँ से जस्ट इम्पोर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इम्पोर्ट में यहाँ भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे भी लिखूँगा तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं क्योंकि सारे सारे जो ऊपर इम्पोर्ट हो रहे हैं तो वहीं पर कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेसिकली यूज़र्स, यूज़र लिखूँगा और करूँगा रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड के अंदर बेसिकली मैं रिक्वायर्ड के अंदर मैं लिखूँगा यहाँ पे मॉडल्स एंड यूज़र्स। ऑलराइट, सो अब हमारा देखो मॉडल बन गया है और एक बेसिक कनेक्शन बन गया। आने वाली वीडियो के अंदर हम एक जो JWT पैकेज होता है वो कैसे इंस्टॉल करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो मैं यहाँ पे अभी वीडियोज़ और APIs बनाऊँगा ना, सो उनका मैं आगे वाले आने वाले टाइम में एंगुलर और रिएक्ट के साथ में प्रोजेक्ट बनाऊँगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक, प्रोजेक्ट का लिंक मैं को एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है, आप वहाँ से GitHub से भी ले सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।